अरे तो ठीक है यार सिंचैन, तूने तो पार्टी के लिए अपने घर में बुलाया था ना, तो अब फटाफट से सामान लाना, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा पास्ता सब लेके आ। चल रात को पार्टी करते हैं, चल जल्दी से जाके लेके आना, किसका वेट कर रहा है बे। अरे क्या बताऊं यार सिंचैन, मैंने तुझसे झूठ बोला, यहाँ पे कोई पार्टी वार्टी नहीं है। वो ना फ्रैंकलिन भैया आज रात में बहुत लेट आने वाले है, उनके ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, तो हम लोग को डर लग रहा था चौप को मुझे, तो हमने तुझे झूठ बोल कर यहाँ पे बुलाया है कि हम पार्टी करेंगे, इसीलिए तू आ गया। अगर तुझे सच बोल देते कि हमें डर लग रही है चल हमारे घर, तो तू नहीं आता, इसीलिए मैंने तुझसे झूठ कहा। यार यहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं है, अभी फ्रैंकलिन भैया जब आएंगे ना तो लेकर आएंगे। ओए बिड़ू यार सिंचैन, बुरा मत मानना, पर क्या करूँ, सॉरी यार झूठ बोलना पड़ा, अगर नहीं बोलते तो तू आता नहीं। तुझे तो पता ही है ना कि आजकल हमारे शहर में एक भूत टहल रहा है जो किसी के भी घर में जा सकता है, अपन लोग तुझे कभी झूठ बोलकर ऐसे नहीं बुलाए। आज फ्रैंकलिन नहीं था ना, इसीलिए अपन तेरे को बुलाया झूठ बोल के, सॉरी यार बिड़ू। अरे तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया मेरे साथ, तुम लोगों ने क्यों झूठ बोला। आज तो मेरा इतना बढ़िया शो आने वाला था कार्टून का, मैं अपने घर में बढ़िया देखता लेटकर पॉपकॉर्न खाते हुए, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बना के अपने घर में बुला लिया कि पार्टी करोगे, अब देखना तुम्हारी खैर नहीं। अरे सॉरी यार ना सिंचैन, सॉरी यार, मैं तो अपना भाई मानता हूँ इसलिए तुम्हें बुला लिया, क्योंकि तुम बहादुर हो, तुम किसी से नहीं डरते, अगर वो भूत आ गया तो तुम हमें बचा लोगे। ओए बिड़ू मेरा घर ये बगल में ही है, मैं जा रहा हूँ समझे ना, मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरे फ्रिज में मेरे डैड आइसक्रीम लाए होंगे, बढ़िया जाके खाऊंगा, और तुम्हारे घर में तो एसी भी खराब है, इतनी गर्म है यहाँ पे। अरे नहीं सिंचैन, घर के बाहर नहीं जाना, तुम्हें नहीं पता वो भूत टहलता रहता है, अगर तुम्हें पकड़ के खा लिया तो यार तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे मॉम डैड हमें ही चिल्लाएंगे, प्लीज तुम मत जाना, प्लीज आज भर रुक जाओ प्लीज सिंचैन। ओए बिड़ू प्लीज रुक जाना, नहीं तो अगर तू गया तो तेरे को टपका देगा वो भूत, बहुत ही खतरनाक है बिड़ू। अरे मैं किसी से नहीं डरता वरता, मेरा नाम सिंचैन है सिंचैन, समझे ना, वो भूत मिला तो मैं उसके तंगड़ी तोड़ दूंगा, पता नहीं तेरा फ्रैंकलिन कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, तो क्या मैं तेरे घर में ऐसे ही सड़ता रहूंगा क्या, एक तो गर्म इतनी पड़ रही है, एसी भी खराब है। अरे ठीक है यार सिंचैन, मैं कॉल करके पूछता हूँ ना फ्रैंकलिन भैया को कहाँ है। ओए बिड़ू कॉल कैसे करेगा, फ्रैंकलिन तो मोबाइल लेकर गया है। अरे यार एक तो हमारे पास एक ही मोबाइल है, फ्रैंकलिन भैया लेके गए हैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया कहाँ फंसे पड़े हो, कब आओगे घर, यार ये सिंचैन भी जाने को बोल रहा है। अरे यार कहाँ हो फ्रैंकलिन भैया। यार गाइस ऑफिस में इतना ज्यादा काम होने की वजह से काम करते करते एक बज गया, पता भी नहीं चला, और आप लोग को पता ही होगा कि हमारे शहर में एक भूत निकला है जो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक टहलता रहता है। यार गाइस अगर वो मुझे मिल गया तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा, और वहाँ पे सिंचैन चौप भी अकेले होंगे घर पे, वो घर से बाहर ना निकले तो बेहतर है, नहीं तो सिंचैन चौप से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में शायद कोई है भी नहीं। यार दोस्तों वो लोग बहुत बड़े बेवकूफाना हरकत करते हैं, काश कि वो लोग घर पे सिंचैन को बुला लियो, क्योंकि सिंचैन काफी माइंडेड है। हाँ दोस्तों आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं सही सलामत अपने घर पहुंच जाऊं और भूत का सामना ना हो मेरा। ओ भाई ट्रेन आ रही सामने से, फ्रैंकलिन संभाल के तो मेरे घर का रास्ता भी बड़े अजीब जगह से होके जा रहा है। यार दोस्तों यहाँ पे पूरा सन्नाटा है, कोई घर नहीं, कोई एरिया नहीं है, बहुत ही भयानक जगह है, मुझे डर लग रही है। आज के बाद मुझे चाहे जितने पैसे डबल मिलेंगे पर मैं इतनी लेट तक काम नहीं करूंगा, जितने टाइम की मेरी जॉब है मैं उतना ही करूंगा। यार गाइस इतना लेट काम कर लो फिर घर जाने में प्रॉब्लम हो जाती है, भाई बाप रे बाप ये कैसी जगह है, शान बिया कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है चलते हैं, बस थोड़ी दूर अब बचा, यार शहर में आ गया हूँ, शायद मैं पहुंच ही जाऊंगा जल्दी अपने घर। तो ठीक है पता नहीं वो लोग बेवकूफ लोग कर क्या रहे होंगे सिंचैन चौप लोग। अरे प्लीज प्लीज चौप मत जाओ यार, प्लीज चौप मत जाओ। अरे मैं जा रहा हूँ, मुझे सिंचैन रोकने की कोशिश मत कर, हट मुझे जाने दे, मुझे नहीं रहना है। ओए बिड़ू उसको रोक, वो जा रहा है, बेवकूफ को खा डालेगा वो भूत, अपन के ही नाम आएगा, जल्दी चल जल्दी अपन लोग उसे रोकते हैं, वरना वो मर गया तो अपन लोग ही फंसेंगे, चला जा बिड़ू। अरे यार ये सिंचैन कितना नियत्ता है, बस खाने के लिए रुका है, खाने को नहीं मिला तो भागे जा रहा है घर, बेवकूफ। सिंचैन मैं तुझे नहीं जाने दूंगा समझा ना, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे मॉम डैड मुझे ही बोलेंगे कि सिंचैन तू ले गया मेरे बेटे को मार डाला। अरे मैंने तुझसे कह दिया ना सिंचैन कि मैं नहीं मरूंगा, मैं किसी से नहीं डरता, चाहे भूत हो चाहे जो, मुझे जाने दे प्लीज, मुझे घर जाने दे, मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे मैं नहीं जाने दूंगा सिंचैन, मेले होते हुए मैं तुझे कभी नहीं मरने दूंगा, मुझे पता है वो भूत बाहर ही टहल रहा होगा। अरे मुझे जाने दे, मुझे बेवकूफ मत बना, मैं जानता हूँ तू मुझे रोकने के चक्कर में मेरी इतनी परवाह कर रहा, नहीं तो तुझे मुझसे कौन सी मोहब्बत, कौन सी लगाव, मैं तेरा हूँ कौन। अरे मुझे जाने दे, मुझे आइसक्रीम खानी है, सिंचैन जाने देगा कि नहीं। अरे मैं नहीं जाने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, मुझे पता है बाहर भूत है वो तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता सिंचैन, इसी की वजह से मैंने तुम्हें अपने घर पे बुलाया था और तुम बाहर जा रहे हो, वो भूत तुम्हें खा डालेगा, वो घर के अंदर नहीं आता, वो बाहर टहलता रहता है, इंसानों को देखते ही उसकी मुंडी धर से अलग करके खा जाता है उसे। ओए बिड़ू क्या करते हैं आप उन लोग, कि जाके छत पे से देखते हैं, अगर बाहर भूत
गलत होगा तो नहीं जाएगा पिंचैन, अगर नहीं होगा तो पिंचैन चला जाएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, तुम जाके सिंचैन ऊपर देख के आओ, समझे ना? अरे ठीक है चौप, तुम दरवाजे पे आके खड़े हो, देखना नहीं पिंचैन भाग ना पाए, मैं ऊपर से देख के आता हूँ भूत है तो नहीं बाहर। ओए बिड़ू ठीक है सिंचैन, हट, अपन गेट पे खड़ा होता है। अरे ठीक है चौप, तुम यहीं पे खड़े रहना, कुछ भी हो जाए पिंचैन को जाने नहीं देना, नहीं तो पिंचैन मर गया तो हम ही फंसेंगे। ओए बिड़ू घबरा मत, पिंचैन को कुछ भी हो जाए अपन जाने नहीं देगा, अपन यहीं पे रोक के रखेगा, तू जाके देख क्या बाहर भूत है कि नहीं बिड़ू। अरे ठीक है मैं देखने जा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना पिंचैन, जाना नहीं ठीक है ना, मैं छत पे से देख के आता हूँ कि भूत है कि चला गया, ठीक है फटाफट से चलता हूँ। ठीक है यार जल्दी, तो दोस्तों फटाफट से चल के ऊपर देखता हूँ, ये पिंचैन भी ना मुझे मरवाएगा, इधर का दरवाजा खुला है, अगर भूत आ गया ना तो मैं भी मर जाऊंगा, पर क्या करूँ इस पिंचैन को बचाने के लिए तो मुझे ऊपर देखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ये पिंचैन मानेगा नहीं दोस्तों, ये अकेले घर भाग जाएगा, और अकेले भाग कर गया और रास्ते में भूत मिल गया तो मुझे ऊपर से जाके देखना पड़ेगा यार गाइस, इधर से जाऊं किधर से जाऊं, एक तो मेरा घर अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है। तो ठीक है यार गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं, बैठ कर देखता हूं। अरे यार गाइस ये क्या, यहां पे तो ये भूत कुछ बकवास कर रहा है, गाड़ी भी आ जा रही, ये तो हमारे घर के ही बाहर है, ये क्या हरकत कर रहा है यार दोस्तों, ये तो कुछ बोल रहा है, ठीक है इसे हम सुनते हैं आखिर ये बोल क्या रहा है। आ जाओ आ जाओ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी, सबको काट के फाड़ के फेंक दूंगा, सबका खून पी जाऊंगा, खून, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आओ मुन्ना घर के बाहर आओ, इसी तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मैंने तलवार में धार लगाई है, अब इसी तलवार से गर्दन उतारूंगा। अरे यार दोस्तों ये अपने में कुछ बोल रहा है, बहुत ही खतरनाक बोल रहा है, ये हमें तो छोड़ेगा नहीं मार डालेगा यार, ये तो आज हमारे गेट के पास ही खड़ा है, चौप बाहर नहीं निकलना, पिंचैन बाहर नहीं निकलना, नहीं तो पक्का तुझे ये मार डालेगा, इसके पास कितना बड़ा सा छुरा है यार गाइस, ये तो गला ही उतार देगा पूरा का पूरा, पूरी जान ले लेगा मेरी तो। मुझे जाके फटाफट से पिंचैन से बताना पड़ेगा कि पिंचैन नहीं जाए, नहीं तो वो भूत उसे मार डालेगा। अबे हट चौप, तू भाग यहाँ से, फालतू के मुझे रोक कर रखा है। अरे ये क्या, ये तो भूत है। अरे यार पिंचैन तू क्यों आ गया पागल, मार डालेगा तुझे, घर के अंदर भाग जल्दी से। अच्छा तो दो शिकार मिल गए मुझे, दो। अरे यार फसवा दिया ना पिंचैन तूने अपनी जीत करके। अरे मैं क्या करूँ, तू इतना टाइम लगा रहा था आने में तो मैं भाग आया, मैं सोचा तू वहाँ पे टहल रहा है। अरे कुछ तो अकल होता यार, तू टहल रहा करके फसवा दिया, अब हम दोनों माले जाएंगे, कौन बचाएगा हम लोगों को। अरे यार ये चौप क्या कर रहा है अंदर, मेरे साथ बाहर नहीं आया। अरे चौप तू ही बचा ले भाई। ओए बेटू ठीक है, अपन जाके ऊपर से देखता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है भूत है कि नहीं, अपन तो अभी ऐसे नहीं जाएगा, पिंचैन पे वापस चला गया। ओए बिड़ू ठीक है अपन इधर आगे लाए। ओए बिड़ू ये लोग तो फंस गए, वो सिंचैन पिंचैन को मार डालेगा, अपन क्या करे क्या करे क्या करे। ठीक है फटाफट अपन फ्रैंकलिन को फोन लगा के बोलता है वो किधर है, जल्दी आए नहीं तो मर जाएंगे ये लोग। कौन बचाएगा मुझसे, तुम सबको मार डालूंगा, मेरी तलवार देखे हो ना कितनी धारदार है, दोनों का गर्दन एक साथ उड़ा दूंगा। अरे यार कहाँ फंस गया, अभी अगर तू मुझे न बुलाया होता तो आज ये दिन नहीं आता। फालतू बकवास मत करो पिंचैन, समझे ना, मैंने तुझसे कितनी दफा मना किया था कि पिंचैन बाहर नहीं जाना बाहर नहीं जाना, तेरे चक्कर में मैं भी फंस गया, मुझे भी नीचे आना पड़ा, आज हम लोग मर जाएंगे, अब हम लोग को कोई नहीं बचा सकता इस भूत से, इसके बाद छुरा देख कितना बड़ा सा है। अरे हाँ 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 क्या करूँ क्या करूँ, प्लीज कोई बचा लो दोस्तों, प्लीज बचा लो। अरे यार कमेंट कर दो फ्रैंकलिन भैया ओपी, ताकि फ्रैंकलिन ही भैया आके हमें बचा ले, वरना आज तो हमें इससे कोई नहीं बचा पाएगा, चौप फटू कभी आएगा ही नहीं वो तो। कुछ भी कर लो जैसे शैतान से कोई नहीं बच सका। अरे यार सिंचैन पीछे क्यों देख रहा, भाई आगे देखना, ये भूत तो हमें मारेगा ही, चाहे तू पीछे देख चाहे आगे देख, कोई हमें बचाने वाला नहीं है भाई, सब आ जा रहे हैं पर कोई पूछ भी नहीं रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे मैं इसका चेहरा नहीं देखूंगा, मुझे ये बहुत खतरनाक लग रहा है, कहीं ये मुझे मार ना डाले, मैं नहीं देखूंगा इसका चेहरा नहीं देखूंगा। अरे तुझे देखना पड़ेगा, देख 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 भाई देख, ये हमें मारने वाला है। मुझे मारने की ताकत किसी में नहीं है, अगर कोई मार सकता है मुझे तो वो है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन के पास एक ऐसी गोली है जो मुझे भस्म कर देगी अगर मैं उससे मारा गया तो। फ्रैंकलिन आयो तुम लोग को बचाए इससे पहले मैं तुम्हें मार दूं। अरे फ्रैंकलिन भैया कहाँ, प्लीज आओ फटाफट से बचा लो, बस आप ही बचा सकते हो। ठीक है यार गाइस फाइनली मुझे चौप ने फोन करके बताया है कि अपने घर पे भूत आ गया है, सिंचैन और पिंचैन को मार रहा है, तो ठीक है मैं पहुंचता हूँ। यार गाइस तो ठीक है, तुझे क्या लगता है भूत तो सिंचैन पिंचैन
को मार सकता है, मैं तुझे मारने ही नहीं दूंगा। अभी रुक, तुझे बताता हूँ, निकालता हूँ वो तांत्रिक गोली और तुझे बताता हूँ उसी से मारूंगा, तू भस्म हो जाएगा। अरे मैं निकलता हूँ, फ्रैंकलिन आ गया, आज तो मैं जा रहा हूँ, पर तीन चैन पिन चैन हम लोग को मैं नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। हाँ देख लेना, आज बच के पर अब कभी नहीं बच सकते, तुम्हें तो ढूंढ कर ही मैं खत्म करूंगा। अगर फ्रैंकलिन नहीं आता तो आज मैं इन दोनों की बलि चढ़ा देता और मैं मुक्त हो जाता, एक शक्तिशाली भूत बन जाता मैं। भूत मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, थिंचन पिंचन मौका मिलते ही मार दूंगा, मार दूंगा। हेलो फ्रैंकलिन भैया आ गए, थैंक गॉड यार, फ्रैंकलिन भैया आ गए हमें बचाने। अरे हाँ हाँ यार, तेरा शुक्रिया यार फ्रैंकलिन, तुम बचाने हमें आ गया, वरना आज तो हम तो मारे ही जाते। अबे तो तुम लोग को घर के बाहर निकलने की जरूरत ही क्या थी, वो भूत तो घर के अंदर नहीं जाता, पर तुम लोग घर के बाहर करने क्या आए थे हाँ, जो तुम लोग इस तरीके के सिचुएशन में फंस गए। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं बताता हूँ, आप घर पे नहीं थे ना, मैं पिंचैन को झूठ बोल के घर बुला लिया था कि चल पिंचैन मैं पार्टी करूंगा ताकि पिंचैन आ जाए, जब इसे पता चला कि हम पार्टी नहीं करने वाले तो ये घर से भागने लगा, हम इसे रोक रहे थे पर ये जबरदस्ती घर के बाहर आ गया, तो मुझे भी आना पड़ा इसे बचाने। अगर मैं नहीं आता ये मर जाता तो इसके मॉम डैड मुझे जेल करवा देते, बोलते कि पिंचैन ने मेरे बेटे की जान ले ली। क्यों पे पिंचैन, तुझे इतना सबर नहीं था कि एक रात तू मेरे घर पे अगर जब आ ही गया था तो रुक जाता, तुझे इतने खाने की तलब है, तो इतना बड़ा नियत आया कि घर भागे जा रहा था तो इतनी रात को, जबकि तुझे भी पता है तू भी इसी शहर का है रहने वाला कि यहाँ पे एक रात को भूत टहलता रहता है, किसी को सगा नहीं है, वो सबको मार डालता है, सिर्फ वो मुझसे डरता है क्योंकि मेरे पास एक ऐसी गोली है जिससे वो भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो तुझे मेरे आने तक का तो वेट कर लेना था बे, तू भागे जा रहा था भागे ही जा रहा था। अरे आई एम सॉरी यार फ्रैंकलिन, मुझे बेवकूफी करने के लिए माफ कर दे भाई, मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है, चल ठीक है अब मुझे मेरे घर छोड़ दे, मुझे मेरे घर जाना है। ओए बिड़ू, पहले तो आप उनका शुक्रिया अदा करो, अपन तो ही फ्रैंकलिन को फोन करके बुलाया, वरना अब तक तुम लोगों को वो भूत खा के खत्म कर देता, हजम कर देता बिड़ू लोग, समझे ना। अरे हाँ ठीक है, तेरा शुक्रिया यार चौप, तूने हमारी जान बचा ली, तो ठीक है चलो हम लोग घर के अंदर चलते हैं, वरना वो भूत वापस से आ जाएगा। पिंचन तुझे आज मेरे घर पे रुकना पड़ेगा, तो सुबह होते अपने घर चले जाना क्योंकि तेरा घर दूर है, अब मैं इतनी रात को इतनी दूर तुझे छोड़ने नहीं जाऊंगा, वैसे भी सुबह के 4 बज चुके हैं, बस एक दो घंटे की बात है, ठीक है ना, चलो आ जा अंदर। ठीक है फ्रैंकलिन, ठीक है तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। अब आ गई ना कल ठिकाने, अभी तक मैं समझा रहा था तब नहीं समझ में आई। अरे ठीक है सिंचैन, तू तो हर ताने मारने लग जाता है, तो ठीक है दोस्तों चलो आ जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। पिंचैन तुझे खाने की ज्यादा शौक है ना आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम लाया हूँ चॉकलेट फ्लेवर। अरे वाह तेरा शुक्रिया फ्रैंकलिन, ओए बिड़ू अपन तो दुखाएगा फ्रैंकलिन। अरे मैं तीन, अबे सबको एक एक ही मिलेगी समझे ना, सबकी एक एक हिस्सा में आई है, तो ठीक है दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए शुक्रिया, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।